Assalamualaikum viewers, welcome to our channel and welcome to another video. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. Today I'm unboxing another dress by Kalamkar and let's see. अच्छा, we have Inaya, that is sari. Inaya's gold price is 21,490 rupees. Let's see how it is. ओके जी, ड्रेस अनबॉक्स करने से पहले, इनफैक्ट ये कलेक्शन लॉन्च होने से पहले ही मुझे किसी का मैसेज आया था कि साड़ी जो है वो येलो कलर की है, तो किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे पहने जा सकती है और शायद इतनी ज़्यादा हिट ना हो. तो ऑनेस्टली, लेकिन मुझे इसको देखने के बाद मेरा नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया. एक तो ये कि ये येलो कलर नहीं, इट्स मस्टर्ड कलर. मस्टर्ड कलर हर सीज़न में पहना जाता है. पिक्चर में जो है वो येलो दिख रही है, बट मस्टर्ड कलर है. इनफैक्ट इन्होंने जो लाइनिंग, जो पेटीकोट और इसका कपड़ा, ब्लाउज़ की लाइनिंग का कपड़ा दिया, वो थोड़ा सा येलो शेड है, बट जो साड़ी है वो मस्टर्ड शेड है. किसी भी ओकेजन पर पहनी जा सकती है. ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है सारा, 5 आई डोंट नो कितने यार्ड है, बट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है. मैं 4.5 गज होगा. कुछ लोग 7 गज में बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो 5.5 गज में बनाते हैं. तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड सारा जो है, इस तरह से बूटियाँ बनी हुई ओवरऑल. और उसके बाद ये इसके लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर्स हैं. तकरीबन 5 इंच का बॉर्डर है ऑल साइड का. ये पूरे लंबे साइड, फॉल वाली साइड, हर जगह पर जो है ये आएगा. पेटीकोट और ब्लाउज का की लाइनिंग जो है मैं पहले दिखा चुकी हूँ. इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, बट ऑब्वियसली अंदर आना है तो इससे जो है फ़र्क नहीं पड़ना. उसके बाद है इसका बनारसी का ब्लाउज. ये बैक है, बनारसी फैब्रिक है इसका, और ये ब्लाउज है. और ब्लाउज में जो है, ये ब्लाउज है कि स्लीव्स हैं? स्लीव्स तो नहीं, आई थिंक ये स्लीव्स हैं. अब ये ब्लाउज, ये मैं बैक साइड दिखा रही थी. ये ब्लाउज है, गला इसके ऊपर बना हुआ है, थ्रेड वर्क है. एक और ड्रेस मैंने इससे पहले दिखाया था, उसकी भी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत ही नीट बारीक एम्ब्रॉयडरी है. इसका भी ऐसे ही है और बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है. हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है, सीक्वेंस की टचिंग है, बट बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग एम्ब्रॉयडरी है ये, ख़राब नहीं होने वाली. उसके बाद कपड़ा जो है उन्होंने काफ़ी सारा दिया हुआ. ब्लाउज आराम से 18-19 इंचेस to 20 इंचेस का बन सकता है. कुछ लोग थोड़ा सा लॉन्ग ब्लाउज पहनते हैं, तो फैब्रिक उन्होंने उस हिसाब से जो है वो दिया हुआ. उसके अलावा चौड़ाई में भी जो है ये डबल एक्सल साइज आराम से बन सकता है. और ये है इसका बैक की साइड, जो कि मैं पहले दिखा रही थी. बैक का भी जो है वो बेल भी बनी हुई है. गला एम्ब्रॉयडर्ड बना हुआ है, ऊपर जो है गला आप जिस तरह के स्टाइल का चाहें बना सकते हैं. और फिर हैं इसकी स्लीव्स. अच्छा, स्लीव्स की लेंथ जो है, जैसे पिक्चर में इन्होंने छोटी स्लीव्स बनाई हुई, तो मेरे ख्याल है ये मैक्स 21 इंचेस तक होंगी, जो मेरा रफ आइडिया है. इससे ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती. अगर इससे लंबी किसी को चाहिए तो जो है फिर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा. ये भी बनारसी फैब्रिक है, सी थ्रू होता है, लाइनिंग इसके अंदर चाहिए होती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है. मरून इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की टचिंग दी हुई, तो काफ़ी खूबसूरत है. उसके बाद साड़ी ओवरऑल जाहिर सी बात यही होगी, इसी के दुपट्टे के जो है पल्लू वाली साइड, एक साइड ऑब्वियसली साड़ी का एक साइड पल्लू होता है, तो पल्लू वाली साइड पर जो है ये वाला बॉर्डर सिलाई से लग जाएगा. ना तो कॉम्प्लिकेटेड है सिलाई में, ना ही कोई बहुत ज़्यादा पैचेस एम्ब्रॉयडर्ड जो वो होने. जस्ट हाँ, लॉन्ग साइड वाला जो बॉर्डर है, अलबत्त ये थोड़ा सा ये एप्लिक होगा ऑब्वियसली, एक साइड जो एप्लिक होगा. और ये भी होता है कि साड़ी की वैसे ही नॉर्मली जो है वो सिलाई ज़्यादा होती है, तो मतलब एक्सपेंसिव तो मे बी नॉट रियली एक्सपेंसिव, बट ये कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में इजीली आ जाएगा. बहुत ज़्यादा पैचेस वगैरह का झमेला नहीं है. एंड पर्सनली मुझे बहुत खूबसूरत लगी. मतलब ये जो लोगों को लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक ओकेजन में पहने जा सकती है, आई डोंट थिंक लाइक दैट. ये कभी भी किसी भी उसमें पहन सकते हैं, शादी में पहन सकते हैं. कलर जो है ये मायू टाइप का नहीं, इट्स मस्टर्ड शेड, जो कि किसी भी ओकेजन में पहन सकता है. तो मेरी तरफ से तो मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी. सो दैट्स इट. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कलमकार के सूट्स के लिए, तो प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इनकी वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि हमारा थोड़ा सा जो है वो हौसला अफजाई हो, क्योंकि हमारे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए. और दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफिज़.